नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज और मैं आपके साथ सिमी दानी। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में अब जातिगत समीकरण बनाकर सत्ता की राह ढूंढ रही है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के दुर्ग से सांसद विजय बघेल को दिल्ली बुलाया जाना आगामी चुनाव को देखते हुए बीजेपी की रणनीति का एक हिस्सा माना जा रहा है, जिसमें वह जातिगत कार्ड खेलकर छत्तीसगढ़ में जहां उसकी पकड़ सबसे कमजोर है, सत्ता में वापसी की उम्मीद लगा रही है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि दुर्ग सांसद विजय बघेल को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। इससे बीजेपी ओबीसी ट्रंप कार्ड भी खेल पाएगी। बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी अरुण साव को और नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी नारायण चंदेल को सौंपी है, जो ओबीसी वर्ग से हैं। विजय बघेल को मंत्रिमंडल में शामिल करने के पीछे एक बड़ा कारण जातिगत समीकरण भी बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी कुर्मी वर्ग से आते हैं। विजय बघेल का नाम भी इसलिए सामने आ रहा है क्योंकि भूपेश बघेल से उनकी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता किसी से छुपी नहीं है। वे भूपेश बघेल के परिवार से ही आते हैं और बघेल को 2008 विधानसभा चुनाव में हरा चुके हैं। वैसे 2013 की विधानसभा चुनाव में विजय बघेल भूपेश बघेल से हार भी चुके हैं। हालांकि 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने विजय बघेल को मौका नहीं दिया। तब से ही यह अटकलें लगाई जा रही थी कि विजय बघेल को बीजेपी लोकसभा के चुनावी मैदान में उतारेगी। आपको बता दें कि करीब 20 लाख मतदाताओं वाली दुर्ग लोकसभा सीट अकेले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का गृह जिला या निर्वाचन क्षेत्र होने भर से ही हाई प्रोफाइल नहीं है। इस सीट के अंदर खाने समीकरण इतने खतरनाक हैं कि दोनों राजनीतिक दलों के लिए यह सीट हाई प्रोफाइल है। केंद्र व राज्य में दोनों प्रमुख दलों की अलग अलग सरकार होने के बावजूद भी कोई भी दल डंके की चोट पर यह कहने तैयार नहीं रहता कि हम चुनाव जीत रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी विजय बघेल न केवल सर्व कुर्मी समाज के प्रदेश अध्यक्ष हैं, बल्कि वे पाटन के पूर्व विधायक के साथ ही साथ भाजपा की सरकार में संसदीय सचिव भी रहे हैं और मनवा कुर्मी समाज से आते हैं, जिनकी संख्या ज्यादा है। पिछले चुनाव के दौरान भाजपा का एक विंग यह फैलाने में कामयाब रहा था कि भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री बनवा दिया है, अब विजय बघेल को संसद में भेजा जाए। लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उन इलाकों में बिना किसी प्रोटोकॉल के गांव-गांव जाकर लोगों को समझा भी चुके थे कि अफवाहों से सावधान रहें। बहरहाल बीजेपी ने एक बड़ा दांव खेला है, अब इसका कांग्रेस क्या तोड़ निकालती है यह वक्त आने पर ही पता चलेगा। अभी तक के लिए बस इतना ही। आगे की ताज़ातरीन खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आरजे न्यूज़ के साथ। नमस्कार।